नमस्कार, नजर भर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ ज़ैनब आईनी के आज की मुख्य खबरें। लॉकडाउन के कारण इंसान के साथ पशुओं को भी भूख का सामना करना पड़ा, जिसको देखते शाकुंभरी देवी पर रहने वाले बंदरों व गौमातों को भी भूख का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए विशाल गर्ग के नेतृत्व में शाकुंभरी देवी पर बंदरों, गौमाता, अन्य पशुओं को केले, गुड़ व चने का भोग लगाया। साथ मौजूद रहे सन्नी विजय मल्होत्रा, प्रदेश मंडल उपाध्यक्ष तुषार सिंगर, युवा भाजपा नेता और मिंटू जग्गा, महानगर अध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी। सहारनपुर से सिकंदर राणा के साथ सलीम अहमद की खास रिपोर्ट। देखो, मैं सिकंदर राणा आपके बीच में मौजूद हूँ। आज हम मौजूद हैं सहारनपुर राघवपुरम कॉलोनी में, जहाँ हिंदू युवा वाहिनी के सक्रिय सदस्य रहे मिंटू जग्गा जी, जो कि आज उन्हें एक संगठन ने महानगर अध्यक्ष पद से नवाजा है और हम उनके आवास पर मौजूद हैं राघवपुरम में। आइए जानना चाहते हैं मिंटू जग्गा जी से कि वो महानगर अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहले क्या महसूस कर रहे हैं, और हम आप चैनल के माध्यम से बधाई भी देना चाहते हैं। मिंटू जग्गा जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो महानगर अध्यक्ष बनने पर। धन्यवाद मिट्टू जग्गा जी, आपको संगठन ने महानगर अध्यक्ष मनोनीत किया है। इससे पहले आप सक्रिय कार्यकर्ता रहे और आपकी सक्रियता की तो खैर धूम है सहारनपुर के अंदर। जग्गा जी, जानना चाहते हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, संगठन के प्रति आपकी क्या नए आयाम रहेंगे और क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी, आप बताएं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व का, श्री अनुराग जी गोस्वामी और प्रदेश अध्यक्ष हमारे सागर बांगा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैं तो अपने आप को आज भी एक छोटा सा कार्यकर्ता ही मानता हूँ। उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा लक्ष्य ये रहेगा कि मैं सब लोगों को अपने साथ लेकर चलूँ और सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूँ। शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। युवाओं के प्रति आप मतलब किस तरह से आपकी जो है योजनाएं रहेंगी और किस तरह से इसको एक सूत्र में पिरोने का कार्य करेंगे, क्योंकि हिंदू युवा वाहिनी एक सक्रिय संगठन है और युवाओं की समस्याएं मेरे ख्याल से ज़्यादातर हैं, तो आप बताएं युवाओं के प्रति आपके लिए क्या क्या नए नए आयाम हैं। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देश के सभी युवा समाज सेवा करें और आगे तरक्की करें, सब मिलजुल कर चलें, और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं सभी युवाओं को एक माला के तरह पिरोकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुराग जी गोस्वामी के चरणों में अर्पित करूँ। स्वामी जी के चरणों में अर्पित करें, ये हैं मिंटू जग्गा जी, जो कि हिंदू युवा वाहिनी के नगर अध्यक्ष हैं और यहाँ उनका आज स्वागत समारोह भी हुआ है। जबकि आप देख रहे हैं लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंस का पालन भी किया जा रहा है, इसलिए सब लोग डिस्टेंस से है। हालांकि मिंटू जग्गा जी को बिना मिठाई खिलाए इनका स्वागत और समारोह हुआ है, क्योंकि यहाँ छुआछूत का भी मामला चला रहा है, क्योंकि लॉकडाउन है और कोरोना जैसा एक खतरनाक वायरस भी हमारे बीच में, तो इस करके यहाँ मिंटू जग्गा जी का सिर्फ खाली जबान से स्वागत किया गया है। और मिंटू जग्गा जी पहले से ही सक्रिय चले आ रहे हैं अपने संगठन को लेकर और काफ़ी चर्चित भी रहे, क्योंकि चर्चाओं में रहे। तो हम आशा करते हैं मिंटू जग्गा जी अपने पद को खूब अच्छे से संभालें। नज़र पर देखो से सिकंदर राणा, कैमरामैन सलीम अहमद के साथ। We'll be right back.